वेलकम एवरी वन टू माई यूट्यूब चैनल द वंडरिंग योद्धा। तो लास्ट व्लॉग में जैसे कि आपने देखा होगा कि हम आपको लेके गए थे चंडीगढ़ से सांगला तक का सफ़र कैसा है, कैसा रास्ता है, वो सारा आपको दिखाया। आज हम आपको सांगला से चितकुल लेके चलेंगे जो कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और बने रहिए हमारे साथ और मज़े लीजिए बढ़िया बढ़िया व्यूज़ का। स्टे ट्यून्ड। तो भाई अपना हो गया नाश्ता और मैं आपको अपने होटल से व्यू दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही अल्टीमेट है भाई, चेक दिस आउट। तो भाई व्यू बहुत ही अल्टीमेट है जैसे आपने देखा यहाँ से। तो भी नहाएंगे धोएंगे और घूमने चलते हैं, आपको भी बढ़िया बढ़िया व्यूज दिखाते हैं, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड। तो भाई अपा तैयार होके निकल लिए, अब अपा जा रहे हैं रक्षम की तरफ, चितकुल की तरफ। और अभी निकले ही हैं होटल से और कुछ 2 किलोमीटर कवर किए और यहाँ से मैं व्यू दिखाना चाहूँगा आपको, चेक दिस आउट। तो अपा ने जाना भी चितकुल, तो इन्हीं पर्वत के पीछे वाली साइड जाना है, तो हो सकता है वहाँ से और पास दिखे, तो चलते हैं। ये शोंगटोंग ब्रिज करचम के पास में आता है और यहाँ से जा रहे हैं आपा, जा रहे हैं चितकुल, रक्षम जाएंगे, पहले सांगला जाएंगे फिर रक्षम, फिर हम जाएंगे चितकुल। तो चलते हैं। ये देखो भाई, ये बंदे की हिम्मत है, देखो उल्टा ट्रक लेके जा रहा है भाई, हिम्मत है भाई, पूरी रोड पे है, स्टंट मार रहा है। ओहो मिट्टी उड़ा रहा है देखो कैसे। ओहो कहता मैं रिवर्स गियर में ले जाऊंगा पूरा। तो भाई जैसे आप लोगों को लग रहा है ना, हमें भी दूर से ही लग रहा था, लेकिन ये ट्रक ना टो हो रहा है। जहाँ मैं दूर से देख रहा, मैंने कहा भाई ये रिवर्स में खींच रखा चढ़ाई पे तो टोइंग हो रही है। ये देखो ये ट्रक टो करके लेके जा रहा है। आगे रकोंगपियो से कल्पा से, तो यहाँ से जो रास्ता मुड़ता है ये चितकुल के लिए मिलता है। जो सीधा रास्ता जा रहा है वो आपके वापस चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है और यहाँ से हम चले जाएंगे चितकुल की तरफ, ठीक है? तो दिस इज यहाँ से, ये देखो, और ये वाला ब्रिज वो देखो, सामने लिखा हुआ है सांगला। चले गए अपा सांगला की तरफ, चढ़ती है। और ये शायद जो रोड भी है ना, ये डैम वालों ने बनाई हुई है, तो ये बगल में हमारे करचम डैम चल रहा है। तो कल यहीं पे सफाई हो रही थी, लैंडस्लाइड हो रखी थी, तो यहीं पे फंसे थे हम, काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं। तो चलो चलते हैं चितकुल की तरफ। तो आप इधर से मुड़ लिए, सांगला है 17 किलोमीटर, चितकुल है 40 किलोमीटर यहाँ से। तो यहाँ से शुरू हो गया सफर सांगला का। तो ये देखो भाई पहाड़ की कटिंग कैसे कर रखी है, यही टेरेन है यहाँ के, ये देखो। तो भाई यार ये देखो भाई यहाँ के नज़ारे चितकुल जाने के, अल्टीमेट देख रहे हो कितना मुश्किल है यहाँ पे रोड बनाना भाई, और बना रखी है भाई। भाई जो सांगला और चितकुल वाली रोड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा नैरो भी है और प्लस टूटी भी हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब यहाँ पे देख के थोड़ा सा ड्राइव करें, है ना? सामने से गाड़ी आ जाती है तो हो सकता है आगे पीछे भी करनी पड़े थोड़ी सी, तो रोड की कंडीशन थोड़ी सी ऐसी है आगे, ठीक है, मतलब इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ झटके लग रहे हैं काफ़ी, तो ठीक है। पर इतनी ऊपर बनाना भी यार थोड़ा सा मुश्किल है ना रोड को, ठीक है। अभी बारिशें काफ़ी पड़ी हैं कह रहे थे, तो उस वजह से भी टूटी हुई है। चलो सांगला पहुँचते हैं, फिर दिखाते हैं फटाफट।
तब तक व्यूज के नजारे लो आप। तो भाई थोड़े काफी हाइट पे आ गए हम, तो अमृता गई है यहाँ से, थोड़ा सा कोई इसको भूख लग रही थी, थोड़ा सा सामान लेने गया, चिप्स एंड एवरीथिंग। तो यहाँ से व्यू बहुत ही मस्त आ रहा है भाई, ये देखो, और रोड देखो कितनी अच्छी लग रही है भाई यहाँ से। देखो हम वहाँ थे, वो जो ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज की वीडियो दिखाई थी, वहाँ थे, वहाँ से ऊपर आए, काफ़ी हाइट पे आ गए। और ये देखो रोड कैसे जा रही है ऊपर तक, पूरे गाँव बने हुए हैं वहाँ तक जा रहे हैं, और ऊपर बर्फ, इधर बर्फ, पीछे बर्फ, और इस पहाड़ के पीछे से तो हम आए हैं, वहाँ तो बर्फ़ है ही है। तो चलते हैं आगे, अभी जाना है, अभी 35 किलोमीटर आसपास और जाना है, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। तो भाई सिस्टम है कुछ ऐसा कि यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा जाम, वो क्यों लग रहा है रीज़न उसका कि यहाँ पे वो चल रही है, मतलब रोड का थोड़ा सा काम चल रहा है, तो गिरा रहे हैं पत्थर वत्थर गाड़ी में भर के और ट्रक में भर के ना, तो ये सामने चल रहा काम, तो ये खुले फिर हम जाते हैं। तो चलो बाकी आप तो व्यूज़ के मज़े ले रहे हैं भाई, गोप्रो आज मैंने ऐसे लगा दिया है ना, और ये देखो व्यूज़। आगे सांगला की मार्केट में, ये मार्केट है सांगला की, और व्यूज बहुत अल्टीमेट आ रहे हैं। तो भाई सांगला पहुंच गए थे, तो यहाँ से थोड़े से फ्रूट्स लिए अपन ने, केले, आड़ू, थोड़े से केक वगैरह ले लिया, मतलब फ्रूट केक होता है जो रास्ते के लिए। तो मैंने पूछा यहाँ पे क्या क्या है घूमने का, तो उन्होंने बोला कि बस देखते जाओ, व्यूज बहुत अच्छे अच्छे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे व्यूज अच्छे मिलते जाएंगे, और स्टे ऑप्शन काफ़ी सारी हैं भाई सांगला में ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब पहले आप अगर बुकिंग करके आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन सीज़न में मतलब हाँ हो सकता है होटल बुक मिले, क्योंकि ज़्यादातर लोग, हमने भी जैसे प्री बुकिंग की थी, तो वही है कि थोड़ा सा, पर होटल की कोई समस्या नहीं है यहाँ पे, मतलब बहुत होटल बने हुए हैं, ATM भी हैं ना, और सांगला के पीछे पेट्रोल पम्प भी आता है, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है चलो चलो आगे व्यू दिखाते हैं, बढ़िया बढ़िया। फिर तो भाई हमने ना आड़ू लिए, ये आड़ू है यहाँ का, मैंने खा के देख लिया, तो भाई भाई बहुत ही खट्टा है यार ये तो, ओहो भाई बहुत खट्टा है, बीज तो निकल रहा पर वैसा वाला नहीं, मीठा आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी, खट्टा पानी आ रहा है। पहले मैंने दो बाइट मारी, दोनों की दोनों मुंह से निकाल के फेंक दी भाई, इतना ज़्यादा खट्टा लगा एकदम से, ओहो वैरायटी है, मीठा समझ के मत ले लेना यहाँ पे, उन्होंने बोला हाँ मीठे होंगे मीठे होंगे, मीठा नहीं है भाई।
पे रुके हैं भाई कल्पा के, तो यहाँ से वो बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत ही अल्टीमेट है। मैं दिखा पॉइंट यहाँ से पहाड़ देखो अल्टीमेट हो गए हैं। तो भाई यहाँ से सिर्फ चितकुल रह गया अभी 6 किलोमीटर, बहुत लंबा रास्ता है भाई, बहुत लंबा है। इतना सुंदर व्यू है ना यहाँ से, इतना सुंदर व्यू है ना यहाँ से, जाने का ही नहीं मन कर रहा भाई, पर जाना है, मन नहीं कर रहा जाने का। वैली देखो,